गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मो सोनाली स्वागत करुच्छी मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो आज आम देखा एसएसबी ओडिशा लेक्चरर रिक्रुटमेंट रोटे नुआ टॉपिक जोटा यूनिट थ्री प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रीवियस क्लास रे मु स्ट्रक्चर आउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विषय में कही। तो जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छ मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि तुम्हें कि प्रीवियस जहाँ भी क्लास अच्छे क्लास तुम यूनिट वन यूनिट टू आउ यूनिट थ्री अप टू तुम प्रोटीन रो क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर रो पर्यंत मु कंप्लीट करछि तारो तुम टोटल वीडियो पाई जीवो। तो आशा रखुच्छे तुमको वीडियो निहाती भाव में पसंद आसीबो। पसंद आसीले गोटे लाइक निहाती भाव में करिबो, मो चैनल को सब्सक्राइब न करथले सब्सक्राइब करिबो एवं शेयर करिबो। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रो जो ये कंटेंट गुड़ाक मु आनी बेसिकली मु जो कंटेंट रू फॉलो करछि एटा होछि हमर बीएससी बहीरु ता सहित पाथफाइंडर एवं ता सहित एनसीईआरटी प्लस टू एनसीईआरटी हो बा मो तुमर स्टेट ब्यूरो एको समस्त को मु समराइज करी मो नोट्स आनी थाए। तो बहुत छुआ मैंने पचारती कौट नोट्स आनी तो मो एगुड़ा कहूँ मो बेसिकली ए सोर्स रु मु सब मो नोट्स रेडी करी थाए। तो देखिए आम क्लास स्टार्ट करवा। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बेसिकली जानवा पूर्व मुझा तुम को नॉलेज दे देवाई चाहूँगी जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एक्चुअली कौन एवं कौ प्रकार होता है। तो बेसिकली यहाँ हूँ आम दुटा सोर्स रू होता है जो जगार कौन होता है तुम प्रथम जो एमिनो एसिड अच्छी एमिनो एसिड तुम कौन जान एमिनो एसिड स्ट्रक्चर टा कौ प्रकार कहीं आम एटा जाचु जो एनिमो एमिनो एसिड रोत गुड़ाक एमिनो एसिड मिसले गोटे प्रोटीन होता है। तो मुझे प्रिभसली मन कर यहाँ गोटे एमिनो एसिड ये गोटे एमिनो एसिड ये गोटे एमिनो एसिड ये गोटे तो सबुतक एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन रे सब बाइंड होना गोटे प्रोटीन तैयारी करी थाए। तो आम जानो एमिनो एसिड तुम कौ प्रकार लेखा जाए जदि आम नमेन क्लेचर करवा कौ प्रकार लेखा जाए तार कमन रहा तुम सी कार्बन रहा कार्बन रहा तुम एवं कार्बन सहित आम सी ओ ओ रहा एन एस थ्री ऊपर रहा एच एटी हूँ कमन एमिनो एसिड रि प्रकार अच्छी मझे तुम सी अच्छी उपरे एच साइड सीओ एन एस थ्री अच्छी तेल आम जाना यहाँ हूँ एमिनो एसिड एवं तले तुम आर रही था। तो प्रीवियस क्लास में जानी आर मान ये किसी भी हो पाए हे तुम अल्कोहलिक ग्रुप भी रही पाए कि तुम अधिक कार्बन रेन रही पाए तुम एटारे फॉस्फेट ग्रुप भी रही सॉरी सल्फेट ग्रुप भी रही पाए किसी भी रही पाए। तो से ही अनुसार आम एमिनो एसिड नाम अलग अलग आम जानूँ। तो बेसिकाली आम दीटा जिनस जान लें गोटे यहाँ नाइट्रोजन सोर्स आम गोटे जान लें यहाँ नाइट्रोजन सोर्स रु आसी सेकेंड एटा आम कौन कार्बन सोर्स रु दीटा जिनस ये अच्छी आम जान लें गोटे नाइट्रोजन आ गए कार्बन दीटा सोर्स रु एटा आम जान लें। तो बेसिकली जदि आम कह प्लांट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लांट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही था एम सब प्रकार तुम एमिनो एसिड को कौन करते प्रोड्यूस करमें लिखी पार दे कैन प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ एमिनो एसिड है किंतु मामल मान क्षेत्र जो देखा आम प्रीवियस क्लास में पढ़ीजे जे बारटा आम नॉन एसेंशियल एवं आठटा तुम एसेंशियल एमिनो एसिड अच्छी है आठटा तुम एसेंशियल एमिनो एसिड अच्छे आम जानी है। तो तापर मत देख बेसिकली मेजर की कंपोनेंट किए जदि आम देखा यार की कंपोनेंट किए हम की कंपोनेंट हम बेसिकली नाइट्रोजन है नाइट्रोजन आमको कौन दरकार बेसिकली नाइट्रोजन को पाइबा आमको कौन दरकार जो एमोनियम दरकार सॉरी हाँ एमोनियम दरकार है नाइट्रोजन पाइबा आमको एमोनियम दरकार केमिति एमोनियम जिते बड़े तुम कौन होता है तुम बेसिकली जदि आम कहीपर जे एमिनो एसिड जदि एमोनियम आसिक एड हो गला तुम ग्लूटामेट कि ग्लूटामाइन तैयारी था है ग्लूटामेट कि ग्लूटामाइन तैयारी था। तो ग्लूटामेट फॉर्मेशन होगा ग्लूटामाइन फॉर्मेशन होगा आम कौन कर ग्लूटामेट कि ग्लूटामाइन फॉर्मेशन होगा कौन कर तो फास्ट पॉइंट तुम लिखी पार फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट
ग्लूटामेट तो केमती फॉर्मेशन होता है बेसिकली अल्फा कीटो ग्लूटारेट ला अल्फा कीटो ग्लूटारेट रे NH4 प्लस NADPH हला NH4 प्लस NADPH मिसिले हला एथरे तुम को प्रकार एंजाइम दरकार जदि लख ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज हला ग्लूटामेट ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज डिनेज हला ये तुम कौन चाहिए ग्लूटामेट तैयारी हुए ग्लूटामेट सॉरी ग्लूटामेट तैयारी हुए है ग्लूटामेट तैयारी हुए है तो ये तुम जान लो तो बेसिकली ये कौन से थे ऑल ऑर्गेनिज्म रही थे ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटा मान को क्षेत्र जो देखिबा यूकैरियोटा मान को क्षेत्र रे माइटोकांड्रिया रे ही थे एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रहे ग्लूटामेट फॉर्मेशन को जगह रही थे माइटोकांड्रिया रही था यूकैरियोट मान को क्षेत्र रे हला सेई प्रकार आमे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामाइन केम देखिबा सेकंड लख फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामाइन तो बेसिकली ग्लूटामाइन केम फॉर्मेशन हेते ए जो ग्लूटामेट मिलिथिला हमकू ग्लूटामेट हला तार क्षेत्र कर दबो ग्लूटामाइन सिंथेटेज ग्लूटामाइन सिंथेटेज हला रो प्रेजेंस रे हमको ग्लूटामाइन मिलथे ग्लूटामाइन मिलथे हला आ ग्लूटामाइन हो कोन तमरो जेडा छे एमाइड ऑफ ग्लूटामेट हम एको कहि परबा इटा हो छे एमाइड ऑफ ग्लूटामेट हला एटा जदि हम प्लांट मान को क्षेत्र रे देखिबा ग्लूटामाइन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट जदि मिसिबो ताले सेतिर हम ग्लूटामेट मिलथे किंतु हम ए प्लांट मान को विषय रे ते पढिबा नै हम जूलॉजी रो विषय रे पढुचू तो जूलॉजी विषय जानिबा तो बेसिकली आउ टिके मु कहि दिछि जदि हम तार रिएक्शन को देखिबा रिएक्शन हला तापर साइट को जगह रही था हला साइट एवं नेक्स्ट आउ गोटे हो कोन तार एंजाइम जदि मु तीनटा को स्टडी करिबा तले हमर जदि प्रथमे हम जदि रिक्वायरमेंट देखिबा अल्फा एमाइनो ग्रुप दरकार हमको अल्फा एमाइनो ग्रुप दरकार हमको कोन दरकार अल्फा एमाइनो ग्रुप दरकार आउ गोटे हो हमको अल्फा कीटो एसिड दरकार कीटो एसिड ए जगह कीटो एसिड को हम एक्सेप्टर बोली कहि परबा हला आ गोटे दरकार हमको अल्फा एमिनो एसिड दरकार एमिनो एसिड एटा हो जे हमर डोनर ये हला हमर एक्सेप्टर ये हला हमर डोनर तो अल्फा तो हमको मेन दरकार अल्फा एमिनो ग्रुप रे कोन होला अल्फा कीटो एसिड होला जेका एक्सेप्टर आउ एमिनो एसिड होला अल्फा एमिनो एसिड जेरा जे डोनर को साइट रही था बेसिकली ये साइटोप्लाज्म रे भी था आ माइटोकांड्रिया रे भी ही था साइटोप्लाज्म एवं माइटोकांड्रिया रे ही था एतरे एंजाइम कोन दरकार जदी एंजाइम को स्टडी करबा एठी दरकार तमरो एमिनो ट्रांसफरेज एमिनो ट्रांस फरेज हला एमिनो ट्रांसफरेसिस एको अदरवाइज अदरवाइज आउ कोन कह जाय ट्रांस एमिनेज मध्ये कह जाय ट्रांस एमिनेज ट्रांस एमिनेज हला ट्रांस एमिनेज बोली कह जाय तो एतकी तमे मन रखी था हला तापर नेक्स्ट हमें पढ़ले तमे जानिबो हला नेक्स्ट हमें पढ़िबा को अब जानिबा हला एवं आउ गोटे जिस मुझे छोटिया जिस कह जो मेटाबोलिक जो इंटरमीडिएट होता है बेसिकली दीटा मेटाबोलिक इंटरमीडिएट द्वारा होता है गोटे ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस आउ गोटे टीसीए साइकिल ए दुटा पॉइंट को हमको मन रखा पड़ो है दीटा जाक गोटे तुम मेटाबोलिक इंटरमीडिएट कौन रही है गोटे ग्लाइकोलिसिस आ गोटे टीसीए साइकिल तो बर्तमान आम आरंभ करिबा हमर तुमको किछरा मु धारणा दे दिली वर्तमान हमें हम पाठ स्टार्ट करिबा तो देखो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम स्टोमक तो बेसिकली जेती भी हम प्रोटीन रो डाइजेशन हे थे कोठे थे तबरो
स्टोमाक रु होई थाए हला ए पार्ट ऑफ एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जुडा तम जानि छो जुडा कि स्टोमाक रे तमर फॉर्मेशन होई थाए स्टोमाक रे तम सिक्रीशन है कि से हमर खाद्य को किछिटा माने कोन थाए पार्शियली डाइजेशन करी थाए तम जानि छो तो जदि एचसीएल को छाडी देबा अदर एंजाइम लाइक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आल्सो हेल्प टू एंजाइमेटिक डाइजेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन तो बेसिकली स्टोमाक को जदि हमें देखिबा स्टोमाक रे आहुरी मध्य दीटा एंजाइम फॉर्मेशन होता है गोटे हूँ पेप्सिन आ गोटे ट्रिप्सिन जी की हेल्प करे प्रोटीन रो डाइजेशन रे हेल्प करे हला ताले प्रथम एटिस किचरा सेमी डाइजेशन हला प्रोटीन रो देखो एटा होची गोटे बोन तमे भाबिनो ये होची गोटे तुम पेप्टाइड बोन रे तुम विभिन्न एमिनो एसिड सब लागिची तो मन कर प्रथम आमको एक डाइजेशन करने को हेले तुम्हें ये बोन गुडा को भांगा को पड़ो भांगी गले सब एमिनो एसिड तुम्हारा अलग अलग हो एमिनो एसिड अलग अलग हो सीना आम जाना विभिन्न प्रकार एमिनो एसिड विभिन्न प्रकार रिएक्शन हेल्प करद्वारा आमको विभिन्न प्रकार प्रोटीन द्वारा जोटा कम से कम मिल तेना प्रथम तुमको प्रोटीन टाक तो डाइजेशन करने को पड़ो तो तुम स्टोमाक किगला तापर देखो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस जोटा मुझे कहली सो दी सीक्वेंस आर ब्रेकडाउन एंड फ्री एमिनो एसिड आर गोज टू इंटेस्टाइन है कौन हम जो फ्री एमिनो एसिड ग्रुप रहा है तुम तो गोटे गोटे फ्री एमिनो एसिड रहा बॉन्ड तो मझे भांगी जाइए मझे बॉन्ड सब भांगी जाइए गुडाक सब इंटेस्टाइन को जीवे हियर कौन हम प्रोटीएज प्रोटीएज ना गोटे तुम अच्छी एंजाइम प्रोटीएज आर प्रेजेंट एंड दे ऑल्सो ब्रेक डाउन द एमिनो एसिड एटी प्रोटीएज मध्य इंटेस्टाइन ने ताको ब्रेक करिवो तो तमे जानिचो एटी कोन हे जाय एटा मु तुमको प्रीवियस क्लास रे एमआरएनए रो सिंथेसिस एवं ता प्रोसेसिंग बिषय रे मु तुमको कहितली जो जाय मु एटी बेसी किछ एक्सप्लेन करू नै काहे कि ना मु ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे कहि सारी छी आ तमे मध्य ताको नोट्स करि सारी छौ हला तो एटी कोन जी तमर एमआरएनए अछि तो टीआरएनए बा ट्रांसफर आरएनए रो काम कोन गोटे गोटे सिक्वेन्स बा कोडन रे तुमको चिन्हिबो एवं गोटे गोटे एमिनो एसिड को से आनी किना एठी बाइंड करिवो कोठी आर आरएनए को दे दबो तो आर आरएनए बा राइबोसोमल आरएनए रासी गोटे 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 कोडन आसी लागि जीवो बा एमिनो एसिड लागिवो एवं सेमान को भितरे पॉलीपेप्टाइड चेन लागिकी से पुणी थरे कोन हबो गोटे प्रोटीन रे तयारी हबो एटा तमे जानिचो तो एमिनो एसिड गोस टू सेल तो प्रथम से सेल को जीवो सेल ले कोन हबो तमर एमआरएनए अछि एमआरएनए अच्छी ना पूर्व जो प्रीवियस क्लास पढ़ी तो एमआरएनए काम कौन है ये प्रोटीन एमिनो एसिड गुड़ाक सब गला टीआरएनए कौन कर ट्रांसफर एमिनो एसिड को एंड बाइंड टू आर आरएनए एंड एमिनो एसिड चेन इज फॉर्म तो एमिनो एसिड चेन या टू सिंथेसाइज प्रोटीन एमिनो एसिड आर बाइंड विथ पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंड होती गोटे यागले ये जान ला हूँ तुम साधारण जिनस कौन बुझे खाद्य को आम खाइले से आम स्टोमाक किसीटा मात्र डाइजेसन है इंटेस्टाइन को गला इंटेस्टाइन प्रोटीएज था प्रोटीएज संपूर्ण भाव में ब्रेकडाउन कला से आम रक्त मिसिक आम ब्लड में मिसिका कौन जीव एब्जॉर्प्शन ब्लड में मिसिक आम सेल पाक जीव तो सेल ले कौन हम पूर्व एमआरएनए अच्छी एमआरएनए तो तैयारी से तुम एमिनो एसिड गुड़ाक तुम कोडन गुड़ाक रही है ट्रांसफर आरएनए आर आरएनए बाइंड कर एमिनो एसिड तुम कौन हम पुणी थे सिक्वेन्स तैयारी हम तो यही जगार मु तुमको कही बेसिकाली आम काटाबोलिज्म जो होता है काटाबोलिज्म स्टार्ट है तो बेसिकाली आम जो देखा तुम ये गोटे सुंदर जिनस अच्छी जे आम कार्बोहाइड्रेट रु एमिनो एसिड फॉर्मेशन करि परबा आ एमिनो एसिड पुणी थरे आम कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करि परबा हला तो जेंति कि आम जदि कार्बोहाइड्रेट को देखिबा कीटो सुगर तो कीटो सुगर तुम बेसिकली कौन होता है एमिनो एसिड तैयारी था पुणी थरे रिवर्स रे तुम एमिनो एसिड रु तुम कीटो सुगर मत तैयारी हो पारिबो तो आम ये दुटा जिनस नेबे नेबा जोटा मुझ तुमको प्रिभस कहली जोटा हम गोटे आल्फा कीटो ग्लुटारेट आ गए पाइरुभेट नहीं पारा है तो जब आल्फा कीटो ग्लुटारेट को आम ने मन कर तुम ग्लुटारेट तैयारी हम
ଏଥିରେ କଣ ତିଆରି ହେବ, ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ତିଆରି ହେବ। ସେମିତି ପାଇରୁଭେଟକୁ ଯଦି ନେବା ଏଠି ଆମର ଆଲାନାଇନ୍ ତିଆରି ହେବ। ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଆଲାନାଇନ୍ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ କ'ଣ ହବ, ଆଲାନାଇନ୍ କ'ଣ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ନା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରୁ ଦେଖ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରୁଛି, ହେଲା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରୁ ତମର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି, ଏଠି ଦେଖ ତମେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ରେଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତମକୁ NH3କୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ କରିକି ଦେଖିଛି। ୟାର କହିବାର ମାନେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଲଫା କିଟୋ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ରେ ତମର NH3 ଆସିକି ମିଶିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବାହାରିଗଲା ବା ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଆଲଫା କିଟୋ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ମିଳିଲା, ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିବା, ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଲାନାଇନ୍ ମିଳୁଛି, କେତେବେଳେ, ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ତମର NH3। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଲାନାଇନ୍ରୁ ତମର ଯଦି NH3 ବାହାରିଗଲା, ତମକୁ ପାଇରୁଭେଟ୍ ମିଳୁଛି, ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତମ ରିଭର୍ସେବୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ମିଳିଥାଏ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମିଳିଥାଏ, ହେଲା। ଏତିକି ତ ତମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଇଫ୍ ଇନ୍ ସେଲ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଏମିନେସନ୍, ହେଲା, ଟୁ ଫର୍ମ ସୁଗର। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଗରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ମନେକର ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଏକ୍ସେସ୍ ଯଦି ଥିବ ଆମର ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଏଇ NH3କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ହେଲା। ବାହାର କରିଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ତିଆରି କରିଦେବା। ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ତାର ନିଜର କାମ ତମେ ଅଛି, ତମେ ସେଟା ଜାଣିଛ, ଏବଂ ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଯେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଆମ ବଡି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ହେଲା। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରେ, ତମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଡିଏମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଡିଏମିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଅଲରେଡି ତମର NH3 ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତମର ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ରୁ NH3 ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବା ଆଲାନାଇନ୍ରୁ ତମର NH3 ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଡିଏମିନେସନ୍ କହିବା, କାହିଁକିନା ତମର ଏମୋନିଆ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତ ଡିଏମିନେସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ସୁଗର ତମ ତିଆରି ହେବ। ଦ ରିଲିଜିଂ ଅଫ୍ NH3 ଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ବଡି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ NH3 ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ହବ, ଆମ ବଡିରେ ଟକ୍ସିଡିଟି ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବ, ହେଲା, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା, ସୋ ଦେଟ୍ ଅଲ୍ ସେଲ୍ କ୍ୟାନ୍, ହେଲା, ଏଟା କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏମୋନିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଆମର ଏମୋନିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଦୋ ସେଲ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ହୁଏର୍ ଦ ଏମୋନିଆ ଇଜ୍ ଡିଟକ୍ସିଫାଇଡ୍ ବାଇ ଲିଭର, ହେଲା। ତ କେମିତି, ତ ସବୁ ସେଲ୍ରେ ତମର ଏମୋନିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଏଟା ବି ମାନେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଦେଖ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମନେକର ଏଇ ସେଲ୍ରେ ତମର ଏମୋନିଆ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମୋନିଆ ସରି ଏଇ ସେଲ୍ରେ ତମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମୋନିଆ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସେଲ୍କୁ ତମ ଡିଟକ୍ସିଫାଇଡ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଏଇ ସେଲ୍ରେ ତମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମୋନିଆ ବାହାରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସେଲ୍ର କାମ ହେଲା ଏଥିରେ ଡିଟକ୍ସିଫାଇଡ୍ କରିହେବ ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କମେଇ ହେବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ରେ ତମର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କମେଇ ହେବା ପରି କାପାସିଟି ଅଛି, ତ ସେଇ ସେଇ ସେଲ୍ରେ ହିଁ ତମର ଏମୋନିଆ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଡିଟକ୍ସିଫାଇଡ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ମନେ ରଖିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଲିଭର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଡିଟକ୍ସିଫାଇଡ୍ ବା ଟକ୍ସିଡିଟିକୁ କିଏ କମାଏ, ଲିଭର କମାଏ, ବାଇ ପିକିଂ ଅଫ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ହେଲା। ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଏମୋନିଆକୁ ଧରିକି ନେବ, ଧରିକି ନେଇକି ଲିଭରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ହେଲା। କେମିତି କରିବ, ସୋ ଦେଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ, ଏଇ ଜାଗା ଦୁଇଟା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର କାମ ଆସିଗଲା। କେବଳ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଯିଏକି ଲିଭରରେ ଯାଇକିନା ତମର ଡିଟକ୍ସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏମୋନିଆକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାଏ, ହେଲା। ଦୁଇଟା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାଉ, ହେଲା। ତ କେମିତି କରିବ, ମନେକର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ ତମ କିଟୋ ସୁଗର ବାହାରିଲା, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ କିଟୋ ସୁଗର ବାହାରିଲା, ତ ଏଠି NH3 ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ, NH3 ଯାଇକି ତମ କ'ଣ ହବ, ଆଲଫା କିଟୋ ଗ୍ଲୁଟାରେଜ୍ ମିଶିକି ତମ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ତିଆରି କଲା, ସେମିତି ଆସିକି ତମ ପାଇରୁଭେଟ୍ରେ ମିଶିକି ତମର ଆଲାନାଇନ୍ ତିଆରି କଲା, ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉଟା ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ଆଉ ଆଲାନାଇନ୍ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲେ,
ए ग्लूटारेट आउ आलानेन कौन करबो ए जो NH3 को बांधि नै छी के ग्लूटारेट भी बांधि नै छी आउ आलानेन भी बांधि नै छी ना ए एमिनो एसिड को आलानेन पर बांधि नेला एवं ग्लूटारेट भी बांधि नेला एवं सेमाने ने कि लिवर रे डिपॉजिट करबे ताले एटी ताले को दुईटा एमिनो एसिड हला गोटे हला ग्लूटारेट गोटे जो आलानेन जो माने कि NH3 को बांधि नै कि तम कोन हबो लिवर रे डिपॉजिट करिले हला बुझी पालो तो देखो एटी देखिबा हमें अच्छा लिवर हैज डिटॉक्सिफिकेशन मेकानिज्म तो लिवर रे तमार डिटॉक्सिफिकेशन मेकानिज्म हेता माइटोकांड्रिया ऑफ लिवर सेल हला एठी माइटोकांड्रिया अछि एठी म तुम डायग्राम रे माइटोकांड्रिया रो डायग्राम देखे दै छी हला तो माइटोकांड्रिया ऑफ लिवर सेल रिसीव NH3 फ्रॉम ग्लूटारेट आउ आलानाइन दीटा रो रिसीव करला दिस NH3 कन्वर्ट टू यूरिया एलिमिनेट तो माइटोकांड्रिया रो काम हला बर्तमान सी तार यूरिया रे कन्वर्ट करिवो केमिति एठी गोटे तमर गोटे एठी एंजाइम अछि जको CPS बोली कोइ थौ कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज हला तो एई जो एंजाइम अछि यारो द्वारा तमर कोनि थै तमर सेटा यूरिया रे कन्वर्ट हे किना एलिमिनेट हे थै तो दुईटा रिएक्शन हेतै एठी गुटे जिनस मन रख एठी मोर तो कहि दउ छी टिके स्ट्रक्चर टाक म आउ टिके पाकु नै आसी छी एदि देखो एटा रहला हमर लिवर भितरे माइटोकांड्रिया तो माइटोकांड्रिया रे NH3 गला एवं सेटे की HCO3 माइनस तो से कंबाइन करला तो इन प्रेजेंस ऑफ CPS1 हला CPS रो मु फुल फॉर्म कहि सारि छी तो CPS1 रो प्रेजेंस रे ये कहला कार्बोमोइल फॉस्फेट रे कन्वर्ट हला कार्बोमाइल फॉस्फेट रे कन्वर्ट हला सेम रिएक्शन तुमर माइटोकांड्रिया बाहर रे मध्ये होई थाय माइटोकांड्रिया बाहर रे मु सेकंड रिएक्शन देखै छी जोठी कि तुमर NH3 प्लस CHCO3 जेटा कि इन प्रेजेंस ऑफ CPS2 तेनाडी मन रखि त जदी पचारिबे जदी क्वेश्चन आसीबो जे तुमर CPS1 को जगह रही थे और CPS2 को जगह रही थे तो बेसिकली CPS1 तुमर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन रा तुमर माइटोकांड्रिया रे इनसाइड रही थे आउ माइटोकांड्रिया रे आउटसाइड जोडा हमें साइटोप्लाज्म कहि परबा एटा होची साइटोप्लाज्म माइटोकांड्रिया रे आउटसाइड माने कोन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रे तुमर CPS2 रो प्रेजेंस रे तुमर NH3 तुमर कोन हबो HCO3 माइनस सहित कंबाइन करिवो आउ कार्बोमाइल फास्फेट रे कन्वर्ट होबो हैना एटा तमे जानलो किंतु दुईटा भितरे डिफरेंट कोन दुईटा भितरे डिफरेंट होची कार्बोमाइल फास्फेट जोटा होची एक नंबर होची ये एलिमिनेट हिते बॉडी रु ये एलिमिनेट हे जीवो केमती यूरिया साइकिल ले तमे जानिछ यूरिया फॉर्मेशन होबो यूरिया साइकिल ले किडनी को जीवो किडनी रे जेकि से तरह एलिमिनेट करिवो किंतु सेकंड जोटा अछि एई जगाटा ये कोन होबो हमर न्यूक्लिक एसिड रे कन्वर्ट हे जीवो न्यूक्लिक एसिड तयार करिवो टू मेक न्यूक्लिक एसिड तनो ये रही गला तनो या बिषय हमें पढिबा नाही जेतु यार तमर कोन सेमिति किछि तमर एलिमिनेशन हेबार नै ये न्यूक्लिक एसिड रे कन्वर्ट हे गला तनो या बिषय हमकु पढिबा नाही हमकु एई विषय रे पढिबार अछि हम जानिलु तब देखो जदि हम एटी देखिबा गोटे जिंस जदि हम लिखिबा CO2 जोटी आम ये टिके मुझको टिके ये आसवा है यही लाइन टाक आसवा यू छाड़ दि ये कहीदे मुझे ना कार्बोमाइन फॉस्फेट कंबाइन विथ ऑर्निथाइन ऑर्निथाइन गोटे हूँ कौन तुम एमिनो एसिड तुम जान ऑर्निथाइन कन्वर्ट हम ये टे ध्यान देखिए शुणा है कौटा क्या सहित कंबाइन होमती कौन करुच्चे शुणा है तो ये देख कार्बोमाइन एमिनो तो फॉस्फेट कौन हम तुम कंबाइन ऑर्निथाइन सहित टू मेक साइटुलिन से कौन हम साइटुलिन तैयारी हम है साइटुलिन कौन करब इज कम आउट टू साइटोप्लाज्म बर्तमान साइटुलिन जो साइटुलिन हो गला बर्तमान ये साइटोप्लाज्म बाहर को आसीज है साइटोप्लाज्म बाहर को आसीज एवं साइटुलिन इज कंबाइन विथ आस्पार्टिक एसिड है आस्पार्टिक एसिड से कंबाइन कर आर्जिनो सक्सिनेट तैयारी कर सीधे कौन तैयारी कर आर्जिनो सक्सिनेट तैयारी कर तुम्हारे सब नोट गुड़ा नोट कर सारे मुझे तुमको साइकिल देखेदे तुम क्लीअर होगा बर्तमान देख आर्जिनो सक्सिनेट इज कन्वर्ट टू आर्जिनाइन
टू रिलीज कौन फ्यूमारेट एटु तमे कौन हम से आर्जिनाइन रे कौन हम कन्वर्ट हो फ्यूमारेट को से रिलीज कर दब है देख आर्जिनाइन कन्वर्ट टू ऑर्निथाइन है से पुणी थे ऑर्निथाइन रे तुम कन्वर्ट हो एवं रिलीज यूरिया एटु से कौन हम रिलीज कर दब यूरिया को यूरिया को रिलीज कर इन केमती रिलीज कर जो जगह तुम वाटर आसिक कंबाइन हम और से यूरिया को रिलीज कर दिस यूरिया इज लेस टॉक्सिन देन कौन तुम एनएस थ्री रु ये किंतु लेस टॉक्सिक थाए है तेणु डायरेक्ट कौन करता है डायरेक्ट एनएस थ्री तुम कह गोटे कथा मान मुंड को गोटे क्वेश्चन आसला जे तुम डायरेक्ट एनएस थ्री कहीं किडनी को चली जाए ना कारण है ये तुम टॉक्सिक अच्छी एक प्रथम डिटॉक्सिफाई कर एत बड़ टॉक्सिक पदार्थ को जदि आम डायरेक्ट किडनी को छाड़ा तेल किडनी उपरे प्रभाव पड़ो तेणु प्रथम को आम डिटॉक्सिफाइड करने लिवर को पठेबा लिवर ताको डिटॉक्सिफाइड कला डिटॉक्सिफाइड कला सी तार किडनी को छाड़ केमी छाड़ यूरिया आकार छाड़ सी है ये क्लीयर है रिलीजिंग ऑफ एनएच थ्री है इन लिवर आडनी दीटा कर तुम जान डीएमिनेशन तो डीएमिनेशन दीटा जगार हुए गोटे तुम लिभर भी है गोटे किडनी भी है किडनी केमती हम बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस प्रेजेन्स इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड ट्रांस एमिनेस तेणु केवल डीएमिनेस कौ जगार केवल लिभर आडनी कि अदर पार्टी ट्रांस एमिनेस ट्रांस एमिनेस है मन कर ये गोटे जिन जान जदि ट्रांस एमिनेस टा केमती है देख जदि एसिड एसिटिक एसिड रु तुम किटो सुगर तैयारी एनएस थ्री रिलीज है तो ये दिटा जिनस दरकार गोटे हूँ कौन तुम जीओटी जीओटी फुल फॉर्म हूँ ग्लूटामेट ऑक्सालो एसिटेट ऑक्सालो सॉरी ऑक्सालो एसिटेट एसिड सॉरी ऑक्सालो एसिटा एमिनो ट्रांसफरेज सेमती तुम यहाँ गोटे कौन यहाँ हूँ जी तुम पीटी जीपीटी माने कौन जोटा हूँ तुम ग्लूटामेट पाइरुवेट एमिनो ट्रांसफरेज है तो ये दुईटार एंजाइम प्रेजेन्स तुम होता है मन तो इफ एनी डैमेज हैपन टू लिवर किंतु जदि कौन प्रकार डैमेज है लिवर सिक्रेट एंजाइम टू द ब्लड ये जो एंजाइम दुटा अच्छे ना जीओटी आ गोटे रहा तुम जीपीटी ये दुटा जो बतैली ए हला जीओटी आउ जीपीटी हला ए जीओटी आउ जीपीटी को से रिलीज कर दे कोड को तुम ब्लड को रिलीज कर दे जोटी की तुम गोटे टेस्ट करा जाए हला जदि लिवर डैमेज है गोटे टेस्ट करा जाए जोटी तुम एसजीओटी आउ एसजीपीटी जोटा तुम ऑलरेडी कोडी पढ़ी थिलो तुम बीएससी रे तुम बीएससी बही रे तुम ऑलरेडी पढ़ी छ जे एसजीओटी आउ एसजीपीटी कौन एस मान हूँ सीरम एस किसी ना एस हूँ सेरम तो सेरम एसजीपीटी जीपीटी आउ एसजीओटी ए दुटा तुम रिलीज है ब्लड को तेनाली ब्लड जदि एसजीओटी आउ एसजीपीटी जदि मिलला ताले जानी जीवो जे लिवर डैमेज हो जाइछि हला लिवर डैमेज हो जाइछि बोली जाना पड़ जाए ए दुटा एंजाइम को से रिलीज करे हला तो एडा रहला तो ए जगह रे जोटा मु टिके तुमको कहली एबे तो से स्ट्रक्चर टाको देखिबा तमर एटी देखो आस्पार्टेट तो मिलला हला जोटे की तमर कोन हला 3 एटीपी आउ H2O मिसी की तमर कोन तयारी हला यूरिया आउ जोटा होचे हमरो ग्लूटामेट तयारी हला सेटा तमे जानिचो छाडी दे टाको एट क्लास प्रथमे तमो ऑर्निथाइन विषय कहली मु ऑर्निथाइन मिलिची ऑर्निथाइन रे कोन हबो तमो साइटोलिन कन्वर्ट हबो जोटा कि मुझे टी आगे कहूली तुमको जो तुमको पढ़ेली ता विषय कहनीथाइन रु साइटुलिन आसला एवं साइटुलिन कौन हम तुम आस्पार्टिक एसिटिक आस्पार्टिक प्रेजेन्स एएसपी रेजेन्स आर्जिनो सक्सिनेट तुम कन्वर्ट है आर्जिनो सक्सिनेट कौन हम तेनाली आर्जिनाइट हम के फ्यूमारेट को रिलीज करदेव एटा देखा मिली ये फ्यूमारेट टा जो कन्वर्ट मान चली जाए ये फ्यूमेरेट तुम कौन टीसीए साइकिल लगे है तेणु आम कही पारे आम इंटरमीडिएट हिसाब से टीसीए साइकिल को नहीं था हला? तो फ्यूमेरेट तुम टीसीए तापर पुणि थे आर्जिनाइन को कन्वर्ट है आर्जिनाइन रु पुणि थे ये कौन ऑर्निथाइन को कन्वर्ट हम केमी जो से
यूरिया को रिलीज कर यूरिया को रिलीज कला से यूरिया तुम कौन हम सर्कुलेसन है यूरीन फर्मेसन तैयार हो जोटा कि एक्सक्रिशन हो जाए बडी रु है जोटा कि एक्सक्रिशन हो जाए बडी रु तो यही टोटाल टाइम तुम कौन जहाँ भी आम प्रोटीन रो मेटाबॉलिज्म थिला तो एटा मु जहाँ भी डकेली एटे तुम कन्फ्यूज हबो नै बिल्कुल जहाँ भी ए जगह रे मु तुमको कहली हला से ए जो ऑर्निथाइन रे केमती कन्वर्ट हला हला कार्बामाइल फॉस्फेट तुम कंबाइन करी केमती ऑर्निथाइन रे कन्वर्ट हला जो तो कि साइटुलिन तैयारी कला साइटुलिन केमती तुम साइटोप्लाज्म रु बाहरी आला हला इट देख मुझे गोटे साइटोप्लाज्म रु बाहरी आसी साइटोप्लाज्म रे बाहरी आसला से केमी तुम कंबाइन कला आस्पार्टिक एसिड रु सहित है आस्पार्टिक एसिड सहित कंबाइन कर आर्जिनोसक्सिनेट तैयारी कला जहाँ भी मुझे तुमको पढ़ेली ये सब तक मुझे जगह तुमको एक्सप्लेन करके बत बुझीगल तो यही जगह देख ये किसीटा जाना आम किसीटा एसिटिक एसिड जाना आम एंजाइम विषय गोटे हूँ तुम कौन एसिटिक को एंजाइम है गोटे कीटोस तुम अल्फा कीटो ग्लुटारेट गोटे हूँ सक्सिनाइल तुम को एंजाइम ए आगे ऑक्सालो एसिटेट तो कौ जगह कौटा लगे तुमको कौ कौ एमिनो एसिड दरकार ये जगह तैयारी हुए यहाँ मुझे तुमको डायग्राम बतई दीची है जोटा कि तुम्हें यू कौन कर तुम स्क्रीनशॉट नहीं निजे लिखिपार है एक्सट्रा मुझे नॉलेज पाई कही ना भी चलो कि एक्सट्रा नॉलेज पाई मुझे तुमको कही है जो प्रकार तुम एमिनो एसिड अच्छी कौ प्रकार एमिनो एसिड कौ प्रकार तुम मिली थाए आम यूँ आम देखे है तो ये थिला टोटल तुम प्रोटीन रो मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट क्लास से गोटे नुआ टॉपिक आने से थैंक यू।